भाई, मुफ्त का माल है, जिसने लूटना है वो लूट ले, मगर एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें आप लोग, ये मेरा घर है, मेरे घर में कोई मुफ्त नहीं रह सकता, समझ गए आप लोग? अरे मीना, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी? एक बार नहीं, बार बार कहूंगी, ये मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। आमिर, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं ले जाऊंगा, तुम अभी यहाँ से जाओ। नहीं आमिर, अब मुझे अभी लेकर चलो, प्लीज आमिर, प्लीज मुझे अभी लेकर चलो। अरे मैं जा रहा हूँ ना, थोड़ी देर में चला जाऊंगा, जाओ यहाँ से। खबर मिली तुम्हें हसन? कौन सी खबर? मरियम की। क्या? लो, तो तुम्हें नहीं पता, यही कि मरियम वापस जा रही है अमेरिका। क्या पागल हो गई है क्या वो? लेकिन उसने तो यही फैसला किया है। अभी जाके बात करता हूँ उससे। रहने दो हसन, कोई फायदा नहीं है, वो अपना डिसीजन ले चुकी है, और वैसे भी आई थिंक उसके लिए यही बेहतर है, वो वहां जाके रहेगी तो उसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा भी माइंड फ्रेश होना चाहिए, एक चक्कर जरा दुबई का तुम भी लगा लो, तुम्हारा वहाँ घर है। वैसे दुनिया की पहली औरत देखिए जो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में पड़ी है। अच्छा मॉम, ये छोड़ें और ये बताएं कि क्यों जा रही है वो अमेरिका और क्या करेगी वहाँ जाके? जॉब करेगी। उसका दिमाग खराब हो गया, वो जॉब करेगी, क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, तुम्हारे बाप की शय जो है, फुल सपोर्ट है आगा की उसे। अच्छा आप डैड के पीछे मत पड़ जाइएगा इस बात पर। मैं क्यों पीछे पड़ूंगी, वीना है ना उनके पीछे पड़ने के लिए काफी। सोफिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमसे तो कभी किसी अच्छी बात की तवक्को की ही नहीं जा सकती। अच्छा अब आप दोनों शुरू मत हो जाइएगा प्लीज। वीना प्लीज जाके कॉफी बना दो यार, सर में दर्द हो गया मेरे। श्योर। न जाने इस चुड़ैल से कब जान छूटेगी मेरी। अब आप सर में दर्द और मत बढ़ाएं प्लीज। अच्छा बाबा, चली जाती हूँ मैं भी। Thank you.
इस बेचारी को तो मैंने बिला वजह ही डांट दिया। या अल्लाह, मैं इतना बेबस हूं कि मरियम मेरे सामने है और मैं उसे जाने से भी नहीं रोक सकता। तहमीना, क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हो? अरे क्यों इस कदर रो रही हो तुम? रो नहीं तो हर क्या करूं? मेरा पोता, मेरी जान, मेरा बच्चा, हम सबको छोड़कर इतनी दूर जा रहा है। वो जब मेरे पास होता है तो मुझे मेरे रिजवान की खुशबू आती है उससे। जब मैं उसे गले लगाती हूँ तो मेरे दिल में ठंडक पड़ जाती है। ऐसा लगता है राना साहब, ऐसा लगता है कि मैंने अपने रिजवान को गले से लगा लिया हो। मेरा बच्चा मेरी खुशियां लेकर जा रहा है। मेरी खुशियां चकनाचूर हो गई, खत्म हो गया सब कुछ, खत्म हो गया। तहमीना, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखो। अगर उसका साथ हमारे साथ लिखा होगा तो अल्लाह जरूर कोई राह निकालेगा। क्या हुआ अम्मी, रो क्यों रही है? तू तो दफा हो जा मेरी नजरों के आगे से, सब तेरा किया धरा है। मेरे को अब चकनाचूर कर दिए तूने। अरे मैं पूछती हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा जो तूने मुझसे इस तरह बदला लिया है, बता। क्या कह रही हैं आप, हुआ क्या है? तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता कि क्या हुआ है? अरे मरियम रिजवान को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। जी पता है मुझे। पता है तुझे? तू इतना बेशरम है कि अपने मरहूम भाई की औलाद को इस घर से दरबदर करने के लिए राजी है, लेकिन तू उस पागल को इस घर से निकालने के लिए राजी नहीं है। मुंह लटकाए क्या बैठा है, जवाब दे मेरी बात का। देखिए, मैंने नहीं कहा था कि मेरी सारा से शादी करवाएं। आपने मेरी सारा से शादी करवाई थी, उसको दुल्हन बना के आप ही इस घर में लेके आई थी। हाँ हाँ, मैंने कराई थी तेरी शादी, मैं ही सारा को इस घर में दुल्हन बना के लाई थी। अब मैं ही कह रही हूँ कि निकाल दे उसे इस घर से। कहाँ निकालूं अम्मी, कहाँ भेजूं? उसका कोई जानने वाला नहीं, कोई खानदान वाला नहीं, तो वो जाएगी कहाँ पर? अगर उसके खानदान से कोई नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो पागल इसी घर में रहेगी हमारे सर पर। यही तो मसला है, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि करूं तो क्या करूं। तो ठीक है, उसे भेज दे उसके बाप के पास जेल। खुदा का खौफ करें अम्मी, तूने अच्छा नहीं किया मरियम से शादी से इनकार करके। अरे भाई, मैंने कब शादी से इनकार किया है मरियम से? मैं तो उसे मोहब्बत करता हूँ, अव्वलीन पसंद है वो मेरी। आप भूल गई, मैंने आपको कहा था कि मेरी शादी करवा दीजिए उससे। वो तो मरियम की अम्मी ने एक शर्त रख दी, मैंने तो सिर्फ शर्त मानने से मना किया है। अब इस बहस में पढ़ने की कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। अब जैसा है चलने दो, इस घर का माहौल खराब ना करो।
घर का माहौल ठीक नहीं हो सकता। जब तक वो पागल इस घर में है, घर का माहौल ठीक नहीं हो सकता। वो इस घर से जाएगी तभी सुकून होगा, तभी खुशी आएगी मेरे घर में। तहमीना, तुमने वही बातें करना फिर शुरू कर दिए। मैंने तुम्हें मना भी किया था। मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी जान, हम सबको छोड़ के इतनी दूर जा रहा है और अभी भी आप लोगों को उस पागल की पड़ी है। अरे नहीं हसन, आज मैं तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं जा सकती क्योंकि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ सोफी के साथ, तुम्हारी शादी की शॉपिंग पे। किसकी शादी? मैम दोबारा शुरू हो गई आप? मैंने आपसे कहा है ना कि डायमंड का जो भी नया सेट आएगा सबसे पहले आप मुझे दिखाएंगे। हाँ हाँ, मुझे लेना है, मेरे बेटे की शादी होने वाली है। जी जी जी, चलें ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। आई एम श्योर कि खूबसूरत होगा वो, ठीक है ना? ओके बाय। अरे वाह सोफी, डायमंड सेट ले रही हो, वो भी उस शादी के लिए जिसका कुछ अता पता ही नहीं। ना ही दूल्हे का कुछ पता है कि शादी कर भी रहा है या नहीं, और ना ही दुल्हन का कुछ पता है। वाओ, ये तुम कोने में छुप छुप कर मेरी बातें सुनती रहती हो? नहीं 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 सोफी, छुप छुप के नहीं, तुम्हारी आवाजें बाहर तक आ रही थी इसलिए मैंने सुन लिया। शादी तो होगी, दुल्हन भी देखेंगे लोग और दूल्हा भी राजी होगा। लेकिन सोफी तुम्हारी ये दाल ना मुझे गलती भी नहीं लग रही। दाल गलेगी भी और तुम खाओगी भी, देख लेना। वीना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें चलना? अरे नहीं हसन, आज मैं तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं जा सकती क्योंकि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ सोफी के साथ, तुम्हारी शादी की शॉपिंग पे। किसकी शादी? मॉम दोबारा शुरू हो गई आप? तुम्हें पता है हसन, तुम्हारी मॉम ने अभी अभी एक डायमंड सेट ऑर्डर किया है, वो भी उस शादी के लिए जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। मॉम साफ साफ बताएं क्या चल रहा है आपके दिमाग में। मैं बताती हूँ हसन, असल में शादी तुम्हारी हो रही है और डायमंड सेट सोफी ले रही है। सोफी, अगर तुम्हें डायमंड सेट ही चाहिए और शॉपिंग ही करनी है तो वैसे ही कर लो, हसन बेचारे की शादी करवाने की क्या जरूरत है। वीना, तुम अपनी जबान बंद रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। मामा आपने फिर बदतमीजी करना शुरू कर दी वीना के साथ। तुम देखते रहे हसन के कह क्या रही है, हर बात में बीच में बोलती है। एक तो हमारे घर में रह रही है, ऊपर से मुझसे बदतमीजी करती है। वीना तुम एक मिनट चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। हाँ मैं तो चुप ही खड़ी हूँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। क्या कह रही है, ये किसकी शादी, क्या कर रही हैं आप ये? हसन, एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होनी है ना बेटा। आपने जो करना है करें, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन ले मॉम, शादी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से करूंगा। शादी तो तुम्हारी मेरी मर्जी से ही होगी हसन, तुम भी देखना। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा ना, अब देखते हैं क्या होता है। मैं समझता हूं बेटा, इस वक्त तुम्हारी माँ की जुबान से कड़वी बातें निकल रही हैं, और जानते हो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है बेटा, वो अपनी औलाद के लिए तड़प रही है, और उस औलाद की जो अब इस दुनिया में नहीं है। अबू मैं समझ सकता हूं, मुझे भी तो तकलीफ है ना, क्या मुझे दुख नहीं है? आमिर बेटा, मुझे पता है तुम्हें भी इस बात का दुख है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा दिल दुखा रही है, लेकिन बेटा अपनी माँ को माफ कर देना, माफ कर देना। नहीं अबू, मैं कौन होता उन्हें माफ करने वाला, वो मेरी माँ है, वो जो चाहे मुझे कह सकती है। आमिर बेटा, अब दिल में ऐसी कोई बात न रखना, माँ बाप अक्सर ऐसी बातें
बोल जाते हैं जिससे कलेजा कट के रह जाता है। चुप, बस आप अमीर को थोड़ा वक्त दें, वो अभी बहुत डिस्टर्ब है। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं देखता हूँ। देखो मरियम, तुम्हें अपनी लाइफ का अच्छा और बुरा खुद ही डिसाइड करना है। तुम जो भी फैसला करोगी उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद ही होगी। आई नो दैट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बस यही दुआ है कि तुम जहाँ भी जाओ खुश रहो और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू, इट्स रियली मींस अ लॉट। नहीं रुकूंगी मैं, मुझे जाना है और आप खामोश रहे, मैं जरूर जाऊंगी। तहमीना कहता हूँ रुक जाओ। तहमीना, आप चुप करें, मैं जाऊंगी। तहमीना मैं कहता हूं मत जाओ। मैं जाऊंगी। कहां जा रही हैं आप? तुझे क्या मतलब है, मैं कहीं भी जाऊं। समझाओ उसे, ये मरियम के घर जा रही है। मरियम के घर? क्या हो गया अम्मी आपको? आपको पता है ना अगर आप वहां जाएंगी तो वो लोग आपके साथ क्या सलूक करेंगे? कुछ भी करें मेरे साथ, मैं जाऊंगी, अपनी बहू से मिलूंगी, अपने पोते से मिलूंगी, मैं उसके हाथ जोड़ूंगी, पैर पकड़ूंगी, उसे कहूंगी मेरे रिजवान को मुझसे दूर ना करे, हम पे रहम करे। अम्मी आपको क्या हो गया है? आप क्यों किसी के हाथ जोड़ेंगी पैर पड़ेंगी? जोड़ूंगी मैं जाऊंगी और उसके हाथ भी जोड़ूंगी, पैर भी पकड़ूंगी। तुम लोगों की तरह सख्त दिल नहीं हूँ, मेरा दिल फटा जा रहा है, मैं मर जाऊंगी। मैं रिजवान के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती रिजवान के बगैर। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मुझे जाना है। अम्मी अम्मी खुदा के लिए होश में आए, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा आप एक काम कीजिए, वहां के बैठिए, आइए। नहीं मैं जाऊंगी। अरे अरे सुनो, अरे मैं कह रहा हूं ना, आइए प्लीज प्लीज आइए। अम्मी प्लीज ऐसी हरकतें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। बेटा मैं इसे समझा समझा कर थक गया हूं, बिना वजह का रोना डाला। वैसे वो सफर पर जा रहे हैं, इस तरह का रोना धोना नहुसत फैलाता है, नहुसत। ये रोना धोना मेरी वजह से नहीं है, इस घर में वो पागल मनुष्य है ना, उसकी वजह से। मैं कहती हूँ निकालो उस मनुष्य को इस घर से और मरियम और रिजवान को लेकर आओ, बस कह दिया मैंने। देख क्या रहा है तू, जो मैंने कहा है वो कर। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही अम्मी। बेटा तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, अगर मरियम रिजवान को लेकर एक बार यहाँ से चली गई ना तो लौट के नहीं आएगी, तो बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। तू सुन ले मेरी बात। क्या हो गया राणा साहब, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? तहमीना तुम जो कुछ भी कहती हो गलत कहती हो, तो मैंने जितनी ढील दी तुम सर पर चढ़ती जा रही हो। तहमीना बेगम तुमने इस घर का माहौल खराब कर दिया है, तुमने सबके दिलों में दरारें डाल दी हैं, दरारें, नफरतें पैदा कर दी हैं तुमने। चली जाओ यहां से तहमीना।